हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एड में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओला कंपनी के बारे में। तो अब लोग सभी जानते हैं कि ओला एक कंपनी जहाँ पे बहुत सारे जो कि कैब से रिलेटेड कुछ काम होता है। तो जो लोग जानते हैं कि उसके अलावा ओला के कोई और की भी काम होता है कि और भी कोई रिक्रूटमेंट होता है, तो मैं उन बारे में बात करूंगा आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, ओला कैब में यहाँ पे बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट निकला हुआ है इस मंथ में। तो यहाँ पे जो लोग चाहते हैं कि ओला कंपनी के साथ जुड़ के काम करना, तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आया है, तो आप लोग इसको मिस मत कीजिए। तो दोस्तों, ओला कैब के बहुत सारे रिक्रूटमेंट के जानने के लिए आपको इस पेज में आना पड़ेगा। तो इस पेज में आने के लिए इसका जो ऑफिशियल लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके डायरेक्टली इस पेज में आ सकते हो। तो दोस्तों, इस पेज में आने के बाद आपको क्या करना होगा, नीचे आपको जाना होगा। नीचे जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं नीचे एक सी आवर ओपनिंग, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है आप लोग वो देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग चला है इसका जो मेन पेज है, और जो कि जो रिक्रूटमेंट पोस्टिंग पेज है, आपको यहाँ पे आना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लोकेशन वाइज जो कि यहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्री वाइज जो कि आप सिलेक्शन कर सकते हैं, यहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो कि है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप इंडिया के लिए जॉब सर्च कर करते हैं तो इंडिया के लिए आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पे अगर जॉब सर्च करना चाहते हैं आपको वहाँ पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इंडिया के लिए जॉब सर्च कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इंडिया क्लिक करके उसके बाद मैं इंडिया में जो जो रिसेंटली जॉब पोस्ट हुए तो यहाँ पे उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया में जो जो पोस्ट निकला हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे जो कि यहाँ पे वन बाय वन दिया हुआ है। तो फर्स्ट जो पोस्ट है मोनिटाइजेशन सेल्स मैनेजर, जिसका लोकेशन है, जॉब लोकेशन बेंगलुरु में। पोस्टिंग डेट है 21 सितंबर 2018। इसके पास ही ठीक लिखा हुआ है अप्लाई बटन। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते तो आपको उस अप्लाई बटन में क्लिक करना होगा। दोस्तों, इस तरह से और भी कुछ पोस्ट जो कि निकला हुआ है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, प्रोग्राम मैनेजर, सीनियर ग्राफिक्स डिजाइनर, प्रोग्राम मैनेजर, मैनेजर प्रोसेस एक्सेलेंस, क्लस्टर हेड, कोचिंग एग्जीक्यूटिव लीड, नेटवर्क इंजीनियरिंग, यूएक्स रिसर्चर। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे जो कि रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकला हुआ है ऑल ओवर इंडिया में, बहुत सारे सिटी में यहाँ इसका रिक्रूटमेंट जो कि निकला हुआ है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं अभी आप लोगों को बताऊँगा कि अगर आप कोई भी सिटी से बिलोंग करते हैं, आपके उस सिटी के पास अगर कोई भी रिक्रूटमेंट निकला उस सिटी में, तो आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो कि सिटीज़ है जो इंडिया में, आप लोग वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जिस भी पोस्ट के लिए कंफर्टेबल हो, या आपको लगता है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए करने के बाद आप इस जॉब को पा सकते हैं, आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अभी आप लोगों के एक पोस्ट के लिए मैं बताऊँगा जो आप लोग अप्लाई कर सकते। जो फर्स्ट जो यहाँ पर लिखा हुआ है मोनिटाइजेशन सेल्स मैनेजर, तो सेल्स मैनेजर इज़ अ वेरी गुड पोस्टिंग जो कि पोस्ट है, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आपका जो है। तो दोस्तों, अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई के जो कि है आपको बटन है, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अप्लाई में क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक दूसरा पेज जो कि ओपन होगा। इस पेज में आपको क्या करना होगा, अगर आप पहली बार आप अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे न्यू यूज़र जो कि है आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अगर नहीं करते हो तो आपको यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड देना होगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे मेरा जो यूज़र नेम है मैं यहाँ पे देता हूँ। उसके बाद मैं मेरा जो पासवर्ड है वो देख के मैं साइन इन करूँगा। उसके बाद देखते हैं कि इसका के नेक्स्ट पेज क्या होता है। तो दोस्तों, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मैं मेरा जो पासवर्ड है इसको मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जो कि लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद इसका जो नेक्स्ट पेज है मैं आप लोग बताऊँगा कि इसका जो नेक्स्ट पेज क्या है। मैं
उसको तो दोस्तों मैं अभी है जो कि यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एक पेज आएगा जिस पेज में आपको आपका रिज्यूम या सीवी आपको अपलोड करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और अपलोड है रिज्यूम सिलेक्ट द रिज्यूम फाइल टू अपलोड। तो दोस्तों यहाँ पे आपका रिज्यूम जो कि है आपको यहाँ पे अटैच करके सबमिट करना है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट पेज जो आया पर्सनल इंटरव्यू इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे आपका पर्सनल जो कि है आपका नाम डेट ऑफ बर्थ आपका ऑल डिटेल्स जो है आपका सिटी वगैरह आपका एड्रेस सब कुछ यहाँ पे देना होगा। उसके बाद आपका जो कि है आपका एजुकेशन और क्वालिफिकेशन जो भी है आपको वहाँ पे देना होगा। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा जिसका नाम है रिज्यूम, आपको वहाँ पे भी आपका जो रिसेंट रिज्यूम है आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा दोस्तों। उसके बाद आपका रिव्यू एंड सबमिट जो ऑप्शन आएगा उसको आपको क्लिक करके आपको रिव्यू एंड सबमिट करना होगा। आपका एप्लीकेशन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद कुछ ही दिन में आपका कॉल आएगा या जो कि आपका SMS थ्रू के आपको जाना बोल देंगे कि अगर आप सिलेक्टेड होते हैं फॉर दिस इंटरव्यू या आपका रिज्यूम अगर शॉर्टलिस्टेड होता है इस पोस्ट के लिए तो आप अप्लाई कर सकते तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू के अगर पास करते हो तो उसके बाद आपका ये जॉब मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं ओला के डिफरेंट जो कि बहुत सारे और भी रिक्रूटमेंट है इस तरह से। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया और कोई इन्फॉर्मेशन लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।